गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे और फाइनली आज रिवील हो गया है। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर ये किस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो वहाँ मैं ये चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। वेल गाइज, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि 69 ऐसी अभी भी पोस्ट हैं, 69 अभी भी ऐसी पोस्ट हैं जिनका फिर से पेपर होगा 3 महीने के अंदर और उसके बाद लिस्ट निकाली जाएगी। ये उनकी जो कोऑपरेटिव यूनियन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। सेकेंडली दोस्तों, जो क्लर्क्स हैं, अगर मैं क्लर्क्स के बारे में बात करूं, जो कोऑपरेटिव बैंक में जो क्लर्क के ऊपर पोस्ट आई थी उसमें से 162 पोस्ट थी। उन 162 पोस्ट में से 154 क्लर्क उन्होंने सेलेक्ट करे हैं। उसके बाद JBM जो पोस्ट है, JBM में 54 पोस्ट थी टोटल और 54 में से उन्होंने 10 पोस्टों को अभी रखा है, बाकियों का रिजल्ट बाकी है। और SBM में सीनियर ब्रांच मैनेजर में 9 में से 9 उन्होंने सीनियर ब्रांच मैनेजर रखे हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो हमारे पास जो लोगों के मन में चल रहा है कि सर ये कट ऑफ 40% क्या है, 35% क्या है, देखिए जब IBPS पेपर कराता है तो उसमें एक फिक्स कहा जाता है कि एटलीस्ट बच्चे ने इतने मार्क्स लाने चाहिए, हो सकता है सेक्शनल, हो सकता है ओवरऑल में। तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो कोई जनरल कैंडिडेट के केस में क्या कर रखा है कि अगर उसके 40 मार्क्स हैं, मान लीजिए 200 मार्क्स का पेपर था, तो उसका 40% जो कि 80 हो गया, तो एटलीस्ट 80 मार्क्स उस बच्चे के आने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो उस केस में क्या होगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा। और उनका कहना है कि जनरल के लिए ये परसेंट 40% है, EWS के लिए 35, बाकी OBC SC ST के लिए मैं 30% के आसपास इसको देख रहा था। आई होप दोस्तों इससे आपको थोड़ा बहुत क्लेरिफाई होगा। बाकी जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं, PDF अपलोड हो गई होगी वेबसाइट पे। और अगर कोई और डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं।